अच्छा, अब इंडिया की बात हो रही है तो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज है, 3 वनडे 3 T20, उसके बाद श्रीलंका हमसे खेलने के बाद जाएगा, इंडिया जाएगा 3 वनडे 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के लिए। तो अभी हाशिम आमला ने 26 सेंचुरियां स्कोर कर ली है, विराट कोहली की 30 हैं, तो ज्यादा पीछे नहीं है। हालांकि आमला ने तकरीबन 150 के आसपास इनिंग्स में किए हैं और कोहली ने 180 के आसपास। अभी जो कल मैच था उसमें भी कोई सेंचुरी बनाने वाले थे, आमला मिस हो गई बस उनकी, तो काफी पास पास हैं ये दोनों खिलाड़ी। अब वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने कोई सेंचुरी नहीं स्कोर की, अब वो क्या न्यूजीलैंड या श्रीलंका पे हाथ साफ करेंगे? श्रीलंका पे तो हाथ सारे ही साफ करेंगे, वो तो श्रीलंकन पे तैयार हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया को इंडिया में हराना बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ी क्लियर बात है। और मैं ये समझता हूँ जो हाशिम आमला की आपने बात की, विराट कोहली की, स्टीवन स्मिथ की, विलियमसन की, जो रूट की, ये दुनिया के टॉप के बैट्समैन, हम तो कोहली की बात करते हैं, हम तो पॉजिटिव वे में बात करते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। अगर वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो हमें बताने में कोई आर नहीं है, हमें खुशी होती है, हमें उस वक्त भी खुशी होती है जब वो अपनी शर्ट या अपने बैट जो है वो ऑटोग्राफ करके शाहिद आफरीदी को या पाकिस्तान के दूसरे लोगों को वो जो है वो दोस्ती के मामले में वो भेजता है, या ऐसी चीजें, ये अच्छे जेस्चर्स हैं इंडियन प्लेयर्स के। लेकिन जो न्यूजीलैंड से सीरीज होगी इसमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी खासी बैलेंस टीम है, लेकिन बजाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है कि इंडिया की टीम को इंडिया में हराना बड़ा मुश्किल है। थ्रू स्पिनर्स ये काबू कर लेते हैं और इनके पास स्पिनर्स की अच्छी खासी अब वैरायटी मौजूद है, गो के न्यूजीलैंडर्स भी 2-3 अच्छे स्पिनर्स अपने साथ लेके आए। पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था उन्होंने हराया था, वो स्पिनर्स ही पकड़ लिया न्यूजीलैंड ने इंडिया को, उसमें भी जो इंडियंस ने जो अपना गेम प्लान था उन्होंने कहा जी ऐसी पिच है यहाँ पर गेंद सीम करेगा स्विंग करेगा। फिर मैं दाद देता हूँ विलियमसन को जो न्यूजीलैंड का कैप्टन है और उनका जो कोच है माइक हैसन ऐसा कुछ नाम ऐसा, इन दोनों के दिमाग की मैं दाद देता हूं। इन्होंने पिच को देखा, पिच को प्रॉपरली रीड किया, 3 स्पिनर डाल दिए, सोदी को भी इन्होंने डाल दिया, सोदी को भी डाल दिया, वो सैटनर भी बड़ा अच्छा खेला, वो सारे वो मैच जीत के न्यूजीलैंडर्स। और जो इंडियन मीडिया था वो कहता रहा, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे कि यहाँ पे गेंद सीम होगा स्विंग होगा, उन्होंने कहा आप हमें बच्चा ना बनाओ, हमें मालूम है आप हमें मामू ना बनाओ। तो उन्होंने इंडियंस को उस वर्ल्ड कप में इब्तदाई मैच में उन्होंने शिकस्त दी और फिर इंडिया की आंखें खुली कि ऐसी बात नहीं होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब भी मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के रिजवान जितने भी थिंक टैंक्स हैं उनमें सबसे टॉप का जो थिंक टैंकर मैं समझता हूँ वो न्यूजीलैंड, अभी भी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर टीम सिलेक्शन वो करते हैं, अपने टॉप के 2 बॉलर्स को उन्होंने मैचेस नहीं खिलाए थे उस वर्ल्ड कप में, टॉप के 2 बॉलर्स को, हमारे यहाँ तो एक अगर अनफिट हो जाए तो हम उसको खिला लेते हैं, आमिर को अनफिट था उसको खिलाया, किसी ने पूछा कि ये पाकिस्तान में है कि उसको क्यों खिलाया। अभी बात हो रही थी अजहर अली की, अजहर अली को 2 टेस्ट मैचेस खिलाए गए, अगर वो अनफिट था तो आपने 5 दिन के टेस्ट मैचेस के लिए इंजमाम साहब उसको सिलेक्ट कैसे कर लिया और उसकी क्लियरेंस फिर किसने दे दी? इनसे पूछा जाए कि 450 ओवर्स के लिए तो आपने उसको फिट करार दे दिया और जो 100 ओवर्स का मैच है उसके लिए आपने अनफिट किया। अगर अजहर अली की इंजरी मजीद खराब हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल, सिलेक्शन कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल।